हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, वड़कम, राम राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। हाउ इज योर, कैसे हैं आप सब? सो दोस्तों, काफी टाइम हो गया, 2-3 महीने। आज के टॉपिक से आपको पता चल रहा होगा कि वीडियो किसके ऊपर है, कि 3DS सॉफ्टवेयर, 3D सॉफ्टवेयर एनिमेशन जो आपको सीखनी है अगर, तो बिगिनर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर 8-10 साल से हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप एज अ बिगिनर सीखे आज के टाइम में 2023-24 में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सारे जो मेन सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में, 3D एनिमेशन के बारे में कुछ कुछ चीजें बताऊंगा एक सॉफ्टवेयर के बारे में, कि आप अगर ये सीखते हैं तो उसमें ये प्रोडक्शन हाउस में ये चलता है, आर्किटेक्ट में ये सॉफ्टवेयर चलता है, और भी जो फील्ड्स है गेमिंग के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है, मेन जो चीजें होती है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने स्टार्ट किया था पहले 3DS Max सॉफ्टवेयर से, आपने सबने सुना होगा ऑटोडेस्क 3DS Max, वो मेरा पहला एज अ 3D एनिमेशन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर था जो मैंने पूरा सीखा था। उसके बाद मैं गया था माया पे, ऑटोडेस्क माया, फिर ब्लेंडर, सिनेमा 4D, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, ZBrush, और वो तो आपको छोड़ ही दो, एनिमेशन की बात कर रहे हैं हम। ब्लेंडर आ गया, आजकल तो ब्लेंडर चल रहा है मेनली, है ना, ज्यादातर वो यूज कर रहे हैं आजकल लोग, क्योंकि फ्री है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले आजकल जो आजकल चल रहा है मेन। सबका अपना अपना एक सॉफ्टवेयर का ना अपना अपना लैक होता है और पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, ठीक है, ये मान लीजिए। जैसे कि मान लो आपने अभी शुरू करना है नया नया सीखना, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता एनिमेशन के बारे में, नथिंग, यू जस्ट नो नथिंग एट ऑल एंड यू जस्ट वांट टू लर्न एनिमेशन, सो यू जस्ट ट्राई विद ब्लेंडर। आजकल जो ब्लेंडर चल रहा है ना सॉफ्टवेयर, वो बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है। हर जगह की बात बताऊं मैं, इंडिया, फॉरेन, कहीं भी ले लो आप, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो फ्री है, वो सॉफ्टवेयर ही फ्री है, ठीक है, कोई पैसे नहीं भरने आपने, कोई कुछ नहीं करना। जैसे और हमने सॉफ्टवेयर लेने होते हैं ना, माया, मैक्स, अगर आप उनको लेते हो तो लाइसेंस का बड़ा पंगा चक्कर पड़ जाता है प्रोडक्शन हाउस में एंड ऑल, तो पहले लाइसेंस उठा लो उनका। इसमें कोई पंगा ही नहीं है, स्यापा ही नहीं है कोई, क्योंकि इसमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, यूज कर देना है, खत्म कहानी, मिट्टी डालो, कोई पंगा नहीं करना कि कहीं वो चक्कर है, कहीं प्रोडक्शन हाउस यूज कर भी रहे थे और सॉफ्टवेयर माया मैक्स, फिर जब फ्री है तो फ्री करते हैं आजकल लोग, जो डिमांड भी इसकी ज्यादा हो रही है, तो आप वो यूज कर सकते हो ब्लेंडर। पहली बात फ्री है ब्लेंडर की, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा ब्लेंडर में क्या है, ब्लेंडर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी आपको। जैसे उसमें आता है ग्रीस पेंसिल है एक नाम का, 2D एनिमेशन आप इतनी प्यारी कर सकते हैं आप उसके अंदर। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी डाल दूंगा, आप जाके देख भी सकते हो, ठीक है, कि उसमें हम 2D एनिमेशन कैसे कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। रिगिंग एनिमेशन सब, मतलब पूछो ही मत, मगर एक चीज लैक करता है ये सॉफ्टवेयर भी, जो है इंटरफेस इसका। जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, 3DS Max करोगे या 3DS माया करोगे, तो उसका जो इंटरफेस है ना, वो इतना सिंपल, इतना प्यारा है ना, मतलब आपको प्यार हो जाएगा, मतलब व्यू पोर्ट्स उसके इतने क्लियर है, आप उस पर काम करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, शॉर्टकट्स इतने प्यारे हैं। इसमें सब लैक ये कर जाता है मेरे को, जहां तक लगा मेरे एक्सपीरियंस से, और आपको अच्छा लग सकता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि जो ब्लेंडर है उसमें सिर्फ इंटरफेस में मेरे को थोड़ा सा मतलब कि इंटरफेस और अच्छा कर सकती है ब्लेंडर की, जिसने सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी, बस उसमें ही थोड़ा लैक करा मुझे, बाकी तो बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर है, रेंडर भी और सॉफ्टवेयर से ज्यादा टाइम नहीं लेता है, जल्दी कर देता है, ठीक है दोस्तों। बस आपको थोड़ा ग्राफिक कार्ड अच्छा चाहिए होगा और रैम, ठीक है, 1060 1660 सुपर आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है।
और क्या बताऊं ब्लेंडर के बारे में, आप यूज करोगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो आप गूगल से कहीं से भी, गेट इन टू पीसी से भी जाके आप आराम से मिल जाएगा आपको। ये तो की ब्लेंडर की बात, ठीक है। 2D करो 3D करो दोनों ऑप्शन दे रखे उसके अंदर, आप मतलब यूज करो। अगर बिगिनर हो तो ब्लेंडर पे जाओ आजकल, मैं बता रहा हूं आपको सिंपल कहानी, उसे सीखो, ठीक है। और दूसरा 3DS Max सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्क्रीन बंद हो गया, चलिए ठीक है दोस्तों। तो 3DS Max जो सॉफ्टवेयर है ना, वो बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज्यादा क्लियर। आर्किटेक्ट, अगर किसी को आर्किटेक्ट में जाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, मॉडलिंग करनी है ना, इंटीरियर एक्सटीरियर बनाने, कार्स एंड ऑल्स मॉडल्स बनाने हैं, तो उसमें बहुत प्यारे बनते हैं, उसका मुकाबला नहीं इस चीज में। लाइटिंग मतलब गजब, वीरे एंड ऑल मजा आ जाता है। अगर आपको उसके अंदर जाना है तो आप 3DS Max करिए। 3DS Max में और बहुत सारी चीजें हैं, गेमिंग जैसे GTA, GTA की बड़ी सारी चीजें 3DS Max में बन के जाती है, एक्सपोर्ट होती है फिर एनिमेशन एंड ऑल, ठीक है दोस्तों। उसकी एक सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है ना, जो किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है आज तक, बाइपेड मोकैप, और भी है जैसे माया में किसी में भी आप कर सकते हो, जो इतना उसमें मजा आता है ना, कैट रिग है उसमें, ठीक है, ऑटोडेस्क में मैक्स के अंदर कैट रिग मिल जाएगा आपको, बाइपेड मिल जाएगा आपको, मतलब मैच डालो और उसके अंदर कैट रिग इंपोर्ट कर दो, उसके स्किन मार के आप चला सकते हो, आप मजे कर सकते हो। नहीं तो मैं आप मेरे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए आप जाकर देख भी सकते हो, ठीक है। ये हो गई मैक्स की दो बात बता दी मैंने आपको, बहुत अच्छी, कार्स एंड ऑल मतलब गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, अच्छी अच्छी कंपनियां यूज करती है इसको, लक्ष्य वक्ष्य हो गई, और भी अच्छी अच्छी कंपनी में जा सकते हो आप इसको यूज करके, ठीक है। आर्किटेक्ट मतलब क्लासी। अब आते हैं हम माया के ऊपर, जो माया सॉफ्टवेयर है ना दोस्तों, अगर आपको प्योर एनिमेटर बनना है, समझ रहे हो, प्योर, तो माया को पकड़ लो। माया में जो एनिमेशन क्लैरिटी, जो ग्राफ एडिटर है ना उसका कोई तोड़ नहीं है, माया के जो ग्राफ एडिटर है ना उसका कोई तोड़ नहीं है, मतलब कितना प्यारा स्मूथ। आप कीज लगाओ बीच में, इन बिटवीन लगाओ, स्मूथ मारो और झक्कास मजा आ जाएगा एनिमेशन करने में। अगर आपको एनिमेटर बनना है, खाली एनिमेशन करनी है, नो मॉडलिंग, नो नथिंग एल्स, लाइटिंग, रेंडरिंग, स्किनिंग एंड ऑल, इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल एनिमेटर जस्ट गो विद माया सॉफ्टवेयर, खाली एनिमेशन के लिए बताना चाहूंगा। क्योंकि प्रोडक्शन में अगर आपको जाना है, प्रोडक्शन हाउस में खाली सॉफ्टवेयर यूज होता है ना मेनली, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन है इंटरनेशनल भी अगर फॉरन में करते हो तो माया सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेसिक्स माया, ठीक है, एनिमेशन के लिए। मैंने गेमिंग और आर्किटेक्ट के बता दिया, 3DS Max सॉफ्टवेयर, बिगिनर हो बिल्कुल ही शुरू करना है तो किसी से भी कर सकते हो, मगर आजकल ब्लेंडर से आप शुरू कर सकते हो, फ्री में मिल जाएगा, कोई इंस्टॉल करने में स्यापा नहीं। अगर आप 3DS Max और माया को इंस्टॉल करने बैठते हैं ना तो आधा एक घंटा तो वही लग जाता है, और फिर लाइसेंस क्रैक मिलने में भी ना पूछो मत, ठीक है दोस्तों। तो अब करते हैं थोड़े एडवांस सॉफ्टवेयर की बाद में बात, हम ये भी एडवांस ही है पर इनसे भी ऊपर जो आ गया आजकल, अनरियल इंजन। अब अनरियल इंजन बहुत डिमांड में चल रहा है, पर अनरियल इंजन को आपको सीखना नहीं है अभी, ठीक है, कि मतलब पैशन होता है ना, एक बार जैसे नए बच्चे 18-19-20 साल के घुस गए फील्ड के अंदर और चलो अनरियल करते हैं, कोई फायदा नहीं होगा भाई साहब, सच में। क्या करना है आपने, पहले इन सॉफ्टवेयर में कोई भी सीख लेना है, ब्लेंडर माया मैक्स कुछ भी, उसके बाद आना अनरियल में, या कोई भी आप यूनिटी अनरियल कोई भी इंजन गेमिंग इंजन में आओगे ना तो पकड़ लेना। क्योंकि क्या होता है इससे, जब आप जैसे क्या होता है उसमें इंपोर्ट कर सकते हो आप एडवांस एनिमेशन, जैसे आपने एनिमेशन कर ली किसी भी सॉफ्टवेयर में, ब्लेंडर माया मैक्स में, तो आप इंपोर्ट करके उसमें ले जाओ अनरियल इंजन में,
उसमें रेंडर मार दो या कुछ भी, उसमें इन्वायरमेंट होते हैं, इनबिल्ट इन्वायरमेंट इतने प्यारे मिल जाएंगे आपको उसके अंदर अनरियल इंजन में, मतलब पूछो ही मत, कोई हद ही नहीं है। लाइटिंग इतनी प्यारी मिल जाएगी इनबिल्ट, कोई लाइटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और खाली अनरियल में जाओ डायरेक्टली तो मतलब फायदा नहीं उसका, जहां तक मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना ये चीज कि कोई भी गेमिंग इंजन यूनिटी अनरियल से पहले कोई और सॉफ्टवेयर आपको सीखना कंपलसरी है। गुड, क्या आते होगी हमारी बात? बिगनर के लिए हो गया क्या ब्लेंडर? गेमिंग आर्किटेक्ट में जाना है आपने ज्यादातर तो 3ds Max। प्रोडक्शन में एनिमेशन करनी है, कार्टूनी एनिमेशन या कुछ भी एग्जैजुरेशन और प्रिंसिपल से साथ ज्यादा जो एग्जैजुरेट होती है वो माया के अंदर। और अगर आपको उससे भी हाई लेवल पे जाना है तो फिर अनरियल इंजन आप उससे यूज कर सकते हो और बहुत मजे कर सकते हो। और एक और सॉफ्टवेयर हुडिनी, ये बहुत वो ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है जो भारत फॉरेन में ये यूज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब अनरियल और हुडिनी को तो अभी मतलब घुसना मत उसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा, आपका मन में तो चले जाओ सीख लो, पर पहले कुछ और सॉफ्टवेयर सीखो जिससे कि आप एडवांस करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं अपना प्रोडक्शन, मैं खुद बड़े सारे स्टूडियोज में काम कर चुका हूँ बहुत सालों से, हर चीज देखा हुआ है मैंने, ठीक है। तभी आपको एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको अगर बिगिनर है तो आपको ये चीजें करनी चाहिए, सीखनी चाहिए स्टार्टिंग से। मेरे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड मेरी वीडियोस भी है, ट्यूटोरियल्स भी, आप जाकर चेक कर सकते हो एक बार, आपको पसंद आए तो पता है आपने क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, नहीं आए तो मत मत करना, है ना दोस्तों। तो ये तो होगी हमारी सॉफ्टवेयर की आज बातें कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए एज अ बिगिनर। थोड़ा टाइम हो गया दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, माफी, आजकल टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है शेड्यूल मेरा। जब भी मैं टाइम मिलता है मैं आपके लिए, अपने फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए वीडियोस बनाने की पूरी 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 कोशिश करता हूँ, है ना। तो दोस्तों आज की हमारा जो टॉपिक था वो लगता है मुझे कंप्लीट मैंने कर दिया, कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आज हम कौन सा सॉफ्टवेयर हमें सीखना चाहिए आज के टाइम में, अगर हम मुझे एनिमेशन सीखना ही है तो, ठीक है। और दोस्तों आजकल मैं बताऊं, कहीं आपकी मर्जी है, आप कहां से कहीं से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें हैं, है ना, PDF है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है ना। तो आप जाकर जरूर दिखेगा मेरी वीडियोस भी अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है दोस्तों। और कुछ नहीं, चलो फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो मेरी वीडियो से, नॉलेज मिली हो, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना, और घंटे के बटन को जरूर दबाना जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा, आपका दोस्त होस्ट अंकुश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राम राम।